हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ये एनिमल किंगडम का पहला फाइलम देख रहे हैं, फाइलम पोरीफेरा। तो फाइलम पोरीफेरा जो है यह सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होता है। और इसको ये फाइलम पोरीफेरा को स्पॉन्जी के नाम से जानते हैं। यह जनरली मेराइन होता है, ये फाइलम पोरीफेरा जनरली मेराइन होता है और एसिमेट्रिकल एनिमल है और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसमें वाटर ट्रांसपोर्टर कैनाल जो सिस्टम होता है, इसमें वाटर इंटर करता है ओस्टिया के थ्रू, वाटर इंटर करता है ओस्टिया के थ्रू और आउट करता है ओस्कुलम के थ्रू। वाटर इंटर करता है ओस्टिया के थ्रू और आउट करता है ओस्कुलम के थ्रू। इसमें जो मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम पाया जाता है, ये जो होता है या मतलब हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, फूड को इकट्ठा करने में ये हेल्पफुल होता है। इसमें जो सेंट्रल कैविटी होता है स्पॉन्जी का, जो सेंट्रल कैविटी होता है यानी फाइलम पोरीफेरा का, वह स्पॉन्जोसील कहलाता है। जो इसका कैविटी है वह स्पॉन्जोसील कहलाता है। और इसमें एक स्केलेटन पाया जाता है जिसका नाम है स्पाइकुल्स या स्पॉन्जिन, जिसको हम लोग स्पाइकुल्स या एस्पॉन्जिन के नाम से जानते हैं। और इसमें जो सेल पाया जाता है उसको कोनोसाइट सेल बोलते हैं। कोनोसाइट सेल को कलर सेल के नाम से भी जानते हैं, कोनोसाइट सेल को हम लोग कलर सेल के नाम से भी जानते हैं। ये जो फाइलम पोरीफेरा है वह एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन करता है। फाइलम पोरीफेरा एसेक्सुअली फ्रेगमेंटेशन करता है और जब सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेगा उसमें गेमिट बनाएगा। जब सेक्सुअली जब करेगा तो उसमें गेमिट बनाएगा। और इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। और जो इसका डेवलपमेंट होता है वह इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि उसमें लार्वल स्टेज भी पाया जाता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में जहाँ भी है वहाँ पर समझिए कि लार्वा बन रहा है। और इसका एग्जाम्पल है साइकॉन यू एस्पॉन्जिया और एस्पॉन्जिला। साइकॉन यू एस्पॉन्जिया और एस्पॉन्जिला, इसका जो एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जितना भी एनिमल किंगडम है उसका एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका एग्जाम्पल है साइकॉन यू एस्पॉन्जिया और एस्पॉन्जिला। साइकॉन को स्काइफा के नाम से जानते हैं, साइकॉन को स्काइफा के नाम से जानते हैं। यू एस्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं, यू एस्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। और ये एस्पॉन्जिला को, हाँ सॉरी, एस्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज और यू एस्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। यू एस्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं और एस्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पॉन्ज के नाम से जानते हैं। और ये साइकॉन को स्काइफा, साइकॉन का दूसरा नाम है स्काइफा। थैंक यू फ्रेंड्स।